नमस्कार, मैं हूँ पूर्वी जोशी, जाने कब तक से, और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर में, आज की सबसे सनसनीखेज खबर लेकर। आज यहाँ बेजान चीजों में आ गई है जान, बेजान चीजें बातें करने लगी है, और इन बेजान चीजों ने जिंदा होते ही बहुत गोलमाल शुरू कर दिया है। और इस गोलमाल का विश्लेषण करने हमारे साथ मौजूद है दो डेस्क एडिटर्स। बड़ी मुश्किल से हंसने वाली, बेजान चीजों की तरह हमेशा चुप रहने वाली, खामोश मासूम अर्चना पुरान सिंह, और हंसी के तान सेन, द टॉकिंग मशीन, द वन एंड ओनली शेखर सुमन। और मैं बता दूं कि आज से इस टक्कर को और कांटे की बनाने के लिए हमारे दोनों जजेस अब स्कोर करेंगे, और उनका साथ देने आ रही हैं एक वेरी स्पेशल गोलमाल स्पेशलिस्ट, द वन एंड ओनली, द वेरी गॉर्जियस सेलिना जेटली। वेलकम टू आवर शो सेलिना, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेलिना, आज कांटे की टक्कर में गोलमाल हो रहा है ये तो आप जानती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपकी फिल्म गोलमाल रिटर्न्स आ रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सबके दिलों को लुभाने वाली है, फॉर श्योर। मैं ये कहूँगी कि अपने दिमाग घर पे छोड़ के दिल साथ में लेकर अपनी पूरी फैमिली लेकर ये पिक्चर जरूर देखने आए। और अब यहाँ टकराएंगे एक ट्रैफिक सिग्नल एक खूबसूरत कार से, सो प्लीज वेलकम ट्रैफिक सिग्नल अली और अदाओं वाली कार काशिफ। सिग्नल प्यार का सिग्नल, सिग्नल प्यार का सिग्नल, रुक जा मेरी राधा रानी, रुक जा। सच कह रहा हूँ, रोज तो पीली बत्ती की आड़ में निकल जाती है, आज तो रुक जा। हाँ, आज तो मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते जी। अरे आज अगर मुझे देर हो गई ना तो फिर वो निकल जाएगा। हाँ वो। अरे राधा रानी, ऐसा है तो तू यही कर ले। अच्छा अच्छा राधा रानी, एक काम करता हूँ राधा रानी, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम यही हल्की हो जाओ। हाँ। अरे जैसे गंदे तुम हो ना वैसी गंदी तुम्हारी जहनियत। मैं रेडिएटर के पानी की बात कर रही थी। हाँ। और तुम्हारी इसी जहनियत की वजह से ना कोई कार इस सिग्नल पे नहीं रुकती, जिसकी वजह से उस मुश्तंडे हवलदार के मजे आ जाते हैं, वो जो पेड़ की आड़ में खड़ा होकर सबके चालान काटता रहता है। हाँ चलो अच्छा है राधा रानी, मेरी वजह से किसी के तो मजे है, वरना जानियो तुम तो मुझ पर नजरें भी नहीं डालती। हाँ है, कैसे नजर डालूं जी, सर पे रेड लाइट लिए घूमते रहते हो, अच्छे खासे एरिया को रेड लाइट एरिया बना दिया तुमने। हाँ। अरे राधा रानी, राधा रानी मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाँ है, क्या बताऊं जी। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए ट्रक ढूंढ रहे ना। अरे उसी ट्रक की ठरक की वजह से तो परेशान हूँ मैं। राधा रानी, कौन है वो ट्रक? वो बैठा सामने, सारा दिन कारों से लाइन मारता फिरता है, और अभी तो मर्सिडीज को लिए बैठा है बगल में। हाँ। और ये बताओ, ये हाथ पीले होने की बात है या लाल पीले होने की? राधा रानी, राधा रानी, लाल पीला होना तो मेरा काम है, इसीलिए तो लोग मुझे आवक चावक लंबक सूचक डंडा कहते हैं। अरे तेरी सारी चीजें तो किसी काम की नहीं है, बस डंडा ही काम आता है। सच कह रही हो राधा रानी, और लोग आके झंडा टांग के चले जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि दिल पर क्या गुजरती है, जब काली शीशो वाली गाड़ी आकर अचानक रुक जाती है और हिलने लगती है। अगर कोई कार आकर ऐसे हिलने लगे ना तो समझ लेना वर्क इन प्रोग्रेस, रिपेयरिंग का। अच्छा 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 राधा रानी, मतलब परसों जो गाड़ी आकर रुकी थी और काफी देर तक हिल रही थी, उसमें काम चालू था, रिपेयरिंग का? अरे नहीं नहीं, वो उसमें तो जी अर्चना जी थी। अर्चना जी? हाँ, वो परमित जी के किसी जोक पे जोर जोर से हंस रही थी। अच्छा, अरे वाह, इनके हंसने से कार हिल जाती है। अरे कार तो क्या, ये तो पूरा स्टूडियो हिला देती है जी, कार तो बहुत छोटी चीज है। अरे वाह, अरे राधा रानी, ये क्या, ये क्या राधा रानी, तुम्हारी तुम्हारे डिक्की पर डेंट, क्या फिर कोई ठोक गया? अरे वो एक ट्रक था, ट्रक ना, उसने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया और ये डेंट हो गया। अरे राधा रानी, सच में
वो बदमाश ट्रक होगा। अरे जब से गदर फिल्म में उसे रोल क्या मिल गया, राधा रानी अपने आप को सनी डियोल समझता फिरता है। दिमाग खराब हो गया उस कमीने का, छोटे छोटे मासूम गाड़ियों को देखता नहीं है, बस ठोकता फिरता है। कोई उसका चलान नहीं करता जी। ए, बड़ा शाना है वो, ठोकने में रुकावट ना है इसीलिए सुबह चलान कटवा लेता है, फिर दुनिया भर को बोल के ठोकता है, चलाने भाई, चलाने भाई, चलाने भाई। सच कह रहा हूँ, इतने चलान इकट्ठे हो गए, बहुत जल्द अपने मालिक की तरह तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कहता फिरेगा। अच्छा सुनो, अब तुम जल्दी से हरे हो जाओ और मुझे जाने दो। अरे राधा रानी, सुनो राधा रानी, जाने से पहले एक बात तो बताओ, कल तुम वहाँ अकेली अंधेरे में क्या कर रही थी राधा रानी, वहाँ तो कोई ठरक भी नहीं था। अरे वो तो मैं ना अपने फ्रेंड के साथ थी वहाँ पर। कौन फ्रेंड राधा रानी? हमारे सांप का ड्राइवर, पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। राधा रानी मैं एक बात बता दूं, मैं ये इंसान है कभी भी तकलीफ दे देंगे तुझे। हाँ वो मुझे तकलीफ देता है, लेकिन 6 महीने में एक बार है? जब वो PUC कराता है मेरा। राधा रानी, राधा रानी मेरी बात मान, राधा रानी उसे छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, सच कह रहा हूँ कोई तकलीफ नहीं दूंगा तुझे। जरा सोच राधा रानी, हमारे छोटे छोटे मासूम इंडिकेटर जैसे बच्चे पैदा हो गए। राधा रानी हाँ है, ये तो जी बड़ी अच्छी बात है जी, चलो फिर जल्दी से गले मिल लो। राधा रानी हाँ है, अभी तो प्यार स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी से छापा पड़ गया। अरे राधा रानी ये छापा नहीं है, यहाँ से कोई नेता गुजरने वाला होगा। मैं तुझे दुआ करती हूँ जितने भी करप्ट नेता है ना सब जल्दी से गुजर जाए। अच्छा सुनो अब चलती हूँ मैं। ये राधा रानी सुन मेरी बात, चलती हूँ मत बोला कर, बड़ा गंदा लगता है, जाती हूँ बोल। हाँ है, फिर वही गंदी जहनियत, अगर तुमने अपना जहन ठीक नहीं किया ना तो फिर मैं अगले वाले सिग्नल से शादी कर लूंगी। हाँ बाय। ये राधा रानी जाने से पहले मार्क्स तो ले ले राधा रानी। राधा रानी दे दो मार्क्स, दे दो इसे, रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल, राधा रानी बोल दो। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट थी, इट वाज अ नॉटी, इट वाज इंडीड अ नॉटी स्क्रिप्ट। एंड कई दफा ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं आप जजेस हैं आप क्यों हंस रहे थे उस पे, भाई इट वाज फनी, इट वाज वेरी वेरी फनी, एंड इफ इट्स फनी वी आर गोइंग टू लाफ। यू सी द होल ट्रिक इज टू डू इट क्लेवरली एंड क्यूटली, एंड यू डिड इट क्यूटली एंड क्लेवरली। Thank you, guys. Thank you. आप लोग सबसे नॉटी कार और सिग्नल है दुनिया के, आई थिंक वेरी नाइस फैबुलस। थैंक यू मच, थैंक यू सो मच। इनोसेंस, क्यूटनेस, इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर ऑल कंबाइंड, यू आर एन आउटस्टैंडिंग एक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्ट। टाइम फॉर स्कोर्स, अर्चना जी व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई थिंक वी विल गिव इट टुगेदर। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना जी एंड शेखर जी, बोथ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू मच, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, ओहो लगता है फोन फिर से कट हो गया, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो स्विच टू काम्या सिम कार्ड, काम्या सिम कार्ड जो बदल दे आपकी दुनिया। और काम्या सिम कार्ड के साथ आपको मिलता है उसका पति राजीव हैंडसेट, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आ रहे हैं काम्या सिम विथ राजीव मोबाइल। मेरा मालिक साला कमीना छुड़वा कुत्ता, तेरी बीवी आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाए, तेरे नेटवर्क के सारे डंडे उड़ जाए। बस इतना बुरा है मेरा मालिक, मुझे साइलेंट पे लगा के खुद सो जाता है और अलार्म लगा देता है, बाद में मैं वाइब्रेट करता रहता हूं। अबे उठ मर्दूद की औलाद, उठ उठ मर्दूद। अबे मेरी बीवी कहां मर गई? अरे यो सिम रन, अरे यो सिम, अरे क्या है, क्या है, क्यों आ रही
रात को मुझ अबला नारी को परेशान कर रहे हो। भगवान करे तुम्हारे अंदर पानी पड़ जाए, तुम्हारी कीपैड मर जाए। अरे कम बोल कम बोल, क्यों बोल बोल के अपना टॉक टाइम खत्म कर रही है। जब से मैंने इससे शादी करके अपनी जिंदगी में फिट किया, मेरी तो लाइफ टाइम वैलिडिटी खराब हो गई है। वैलिडिटी? हाँ। अरे फिकर कर मेरे फिगर की। अपने आप को तेरी जिंदगी में फिट करने के लिए मुझे कितना अनफिट होना पड़ा, अपना एक कोना काटना पड़ा। वरना क्या फिगर था मेरा, 24 24 24। अबे बंद कर। ये जो तू अपने अंदर इतना कुछ सेव करके रखती है, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। छी। क्या छी? अरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तुम हो नॉनवेज। पता नहीं हम सारे एमएमएस तो इन्हीं में सेव रहते हैं, हमारे बच्चों पर क्या असर होगा कभी सोचा है? अबे नहीं सोचा। सोचो कभी। अरे क्या है ये? मिस्ड कॉल। एक तो ढंग से लड़ने भी नहीं देते हैं। मैं बता रहा था ये मेरा कसूर नहीं है, ये सब मेरे मालिक बॉबी का कसूर है। देर रात तक पता नहीं किस किस को किस किस की बातें करता रहता है। सही कहा तुमने, सिर्फ बातें ही करता है, मुझे रिचार्ज नहीं करता। अरे मेरा बैलेंस इतना नेगेटिव हो जाता है कि जो मिस कॉल देता है उसके बैलेंस में से पैसे कट जाते हैं। सही में बैलेंस इतना कम होता है फिर भी एसएमएस कर देता है, फिर सारा दिन तकलीफ में घूमता रहता है। कौन बॉबी? नहीं एसएमएस। बेचारे की डिलीवरी रिपोर्ट ही नहीं आती। आती नहीं, आती नहीं। अरे क्या है? मिस्ड कॉल। तंग आ गया हूं मैं इन मिस्ड कॉल वालों से। तंग तो मैं आ गई हूँ। अरे कैसे कैसे वो मैसेज आते हैं हमारे मालिक को। हाँ? कमीना, मैं तंग आया हूँ इससे। पता नहीं मुझे उठा के कहाँ कहाँ रख लेता है, कभी अपने यहाँ रख लेता है, हमेशा गिरने का खतरा बना रहता है। कभी उठा के अपनी जीन्स की पिछली जेब में रख लेता है। ये भी नहीं सोचता कि मूली के परांठे खा के आया हूँ। परसों तो ऐसा धमाका किया, मेरा की पैड कोमा में चला गया। पता नहीं कैसा मालिक है हमारा, किस किस को जाकर नंबर देकर आता है, समझ में नहीं आता ये है कैसा। ये किसना है, ये किसना है, ये किसना है। अरे क्या है? किसना आ गई मिस कॉल। आएगी ना, जैसा मालिक वैसा मोबाइल, कैरेक्टरलेस। अबे जा, कैरेक्टरलेस मोबाइल, आजकल तो मोबाइल आ रहे हैं जो वर्जन है। अरे सिर्फ नाम के वर्जन है, इनकमिंग के भी पैसे देकर जाते हैं। अच्छा, और तू बड़ी दूध की धुली है, कोई भी आके तुझे कहता है खुल जा सिम सिम, खुल जाती है। सिमो की मलिका। ओ और तू क्या नंगा घूम रहा है? बिना कवर का मोबाइल, मोबाइल का सलमान। और तू बिना वेरिफिकेशन के एक्टिवेट हुई सिम। अबे तेरी औकात क्या है, हमारे साथ तू फ्री आती है। ए, वो जमाना गया, आजकल हमारे साथ तू फ्री आता है। घोर कलयुग आ गया है। अरे छोड़ो ना डार्लिंग, हमेशा लड़ते रहते हो, कभी तो प्यार से बात करो। क्या करूं, शादी चीज ही ऐसी है, उन दो लोगों में भी लड़ाई करवा देती है जिनकी आपस में एक दूसरे के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। पर मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूं। लो चला गया। लड़ाई करने में इतनी एनर्जी बर्बाद कर दी कि प्यार करने से पहले ही डिस्चार्ज हो गया। तू आके इसे चार्ज कर। ये थे हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, ये है सेम और ये है हैंडसेट। आपको कैसा लगा ये बताइए जजेस प्लीज। टुगेदर यू वर्क्ड एज अ टीम, एज अ पेयर रियली रियली वेल। थैंक यू। आई लाइक टू गिव 9 points, कांग्रेचुलेशंस। आई वुड डिसएग्री अ लिटिल विद शेखर ऑन दिस। आई थिंक दैट आई वुड लाइक टू जस्ट गिव एन 8 points। सलीना जी आप बताइए, क्या आप ये हैंडसेट खरीदना चाहेंगी? यस व्हाई नॉट, हर किस्म का हैंडसेट होना चाहिए।
Well, मैं यही कहना चाहूँगी to do this like this, ये पहन के, ये special लिबास पहन के, I think you both have done a fabulous job. Thank you so much, Kamya and Rajiv. आप पीछे जा सकते हैं. Huge round of applause for Kamya and Rajiv. आपके मन में फिल्मी विचार भरने आ रहे हैं हिंदी फिल्मों के दो बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट. एक है स्टूडियो दर स्टूडियो घिसा हुआ जूता और दूसरा जाने कितनों के पैरों में बजा हुआ घुंघरू. प्लीज वेलकम स्वप्निल एंड वीआईपी. अरे क्या बात है घुंघरू रानी, बड़ी गुस्से में छमछम कर रही हो. फिर किसी तबले ने छेड़ दिया क्या? वो मुआ आंख मार के फ्लैंकिस करके भाग गया. किसके इतनी जुर्रत कि तुम जैसी पाकीजा घुंघरू को चलते चलते ऐसी बदतमीजी कर गया? वो है ना आवारा जाकिर हुसैन, ए उसका तबला. जब से मेरे को फिल्म में देखा ना मेरे पीछे दीवाना हो गया वो. अच्छा वो छोड़, ये बता तू आज बहुत जल्दी आ गया. तू तो हमेशा लेट आता है सैंडल के साथ. आज मेरा पैकअप जल्दी हो गया. ए तूने तो कोई नई फिल्म साइन की थी ना? अरे आज उसी का मुहूर्त था. लेकिन डायरेक्टर को हीरो की शक्ल पसंद ही नहीं आई तो कैमरा हीरो के फेस के बजाय मुझ पे लगा दिया और 4-5 मिनट इधर उधर से मुझे घुमाया. फिर मुझे हीरो के पैरों से निकाला और विरन के पैरों पे दे मारा फटा. जोर से चिल्लाया पैक अप. जूते की कास्टिंग फर्स्ट क्लास है, अब इसमें फिट होने वाला हीरो लेकर आओ. तेरा अच्छा रे बाबा, तू रहता पैरों में तेरी पोच लोगों के सर तक है. लेकिन मेरे को देखो, मेरी माँ ने मुझे ऐसे धंधे में डाला, मैं कभी पैरों के ऊपर गई भी नहीं. ओह लवली. अरे तू रो मत घुंघरू रानी, तू रो मत. अरे तू भले ही लोगों के पैरों में रहती हो लेकिन तेरी जगह तो लोगों के दिलों में है, क्योंकि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त. फिल्मों में जो कास्टिंग काउच. क्या बोल रही है, फिर बोल. फिल्मों में जो कास्टिंग काउच होता है हाँ, सिर्फ सैंडलों के साथ होता है? जूतों के साथ भी होता है क्या? अरे आजकल तो जमाना इतना खराब है कि सैंडलों के साथ कम जूतों के साथ ही ज्यादा हो रहा है. उस तरह के लोग भी तो आ गए ना इंडस्ट्री में. तू तेरा बता, तेरे को किसी ने फीता डालने की कोशिश की कि नहीं? अरे की थी ना एक बार वो बॉबी स्लिप ऑन ने, वेरी लेसलेस बेसलेस कैरेक्टर स्लिप ऑन. मैंने एंटरटेन नहीं किया. बाबा मैं भी बच गई एक दिन. क्या बोल रही है? वरना उस रात तू मेरा नादिन धिन्ना करके छोड़ देते कमीने लोग. अरे तेरी तो लाइन ही खराब है यार, तू हमेशा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो फाइनेंसर इन सब के बीच में फंसी रहती है. संभालना. नहीं तो किसी दिन तेरा दिखता दिखी दिखी धाई, दिखता दिखी दिखी धाई, दिखता दिखी दिखी धाई हो जाएगा. संभालना. ओ इतनी आसानी से कोई मेरा धाई नहीं कर सकता. रेखा जी के साथ रहती हूँ कोठों पे हमेशा. अरे ये रेखा का नहीं, ये राखी का जमाना है. ओह गॉड. किसी दिन बंध गई ना उसके पैरों में तो एक एक घुंघरू खोल के रखेगी मीडिया के सामने. ये अरे वो छोड़, मैंने सुना कि तूने एक फिल्म में जापानी का रोल किया था. टाइटल रोल था मेरा और राज कपूर साहब ने ब्रेक दिया था मुझे. या मेरे पे एक गाना बना था है? जो बहुत फेमस हुआ कि मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. टोपी और पतलून का साइड रोल था, जापानी जूता मेन रोल में था. तेरे को मालूम है
कई हीरो का करियर मेरी वजह से चल पड़ा है। अपने राजकुमार साहब नहीं थे फिल्मों में, उनका चेहरा बाद में दिखाते थे, मेरा क्लोजअप पहले आता था। जरा सोच, अगर शोले में संजीव कुमार जी के पैरों में मैं नहीं होता तो वह गब्बर से बदला कैसे लेते। वाह मेरे हीरो वाह। तू अकेला है ना? ये मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैं भी उस टाइम की नहीं हूँ। अच्छा सुन ना, वो कल अर्चना जी की सैंडल और तू कुछ बातें कर रहे थे। अरे डरा रही थी यार मेरे को। मुझे कह रही थी शादी कर ले मुझसे। तो कर लेना, छोटे छोटे मजबूत जूते पैदा होंगे। अबे अर्चना जी की जूती का साइज देखा, मैं शादी करूंगा तो दब के मर जाऊंगा। मुझे तो चाहिए कोई नाजुक सी, चंचल सी, नटखट सी स्लिपॉन, कतरीना कैफ की स्लिपॉन की तरह। ए सलमान के गंबूट ने सुन लेना, तेरे को इतना धोएगा, इतना धोएगा, इतना धोएगा, 10 कदम भी चल नहीं पाएगा तू। मैं बोल रही हूँ सुन ले। तू मेरे को एक बात बता यार, तू है तो मेल घुंघरू, फिर मैं बोल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, ऐसे तू फीमेल के जैसी बात क्यों करती है? मेरी आवाज की वजह से। मतलब ये जो छम 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 करके बजती है ना, हाँ, इसकी वजह से मेरा सेक्स चेंज हो गया। बचपन से औरतों में रही हूँ ना मैं, हाँ, पर मेरा दिल उब गया है अभी। फिर बस अब यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं। कहाँ? मेरा मन करता है मैं किसी ट्रेन के इंजन को जाके फिट हो जाऊं, पूरी दुनिया का सफर करूं। हाय हाय, अरे तो सफर करना, देर किस बात की? हॉर्न तो बजा। हले बजा लेता हूँ। अरे स्टेशन आ गया रे घुंगरू रानी। अरे क्या बात है घुंगरू रानी, क्या बात है, क्या बात है। अरे दिल तो करता है कि इस सफर पे मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे समझ गई। क्या? शटर डाउन करने का टाइम आ गया है। शटर। वेरी नाइस। थैंक यू। वेरी नाइस। टेरिफिक। आउटस्टैंडिंग। ये थैंक यू सर। स्वप्निल एंड VIP, both of you were commendable. Thank commendable. You, sir. It was such a cute and such a lovable act. VIP, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझे ऐसा लगा था कि आपका जो दायरा है, आपकी जो परिधि है, वो सिर्फ मिमिक्री तक ही सीमित है, लेकिन उससे निकल के बाहर जो आपने ये कैरेक्टर, जो कि इतना मुश्किल कैरेक्टर है, आपने पोर्ट्रेट किया है, इतनी खूबसूरती से किया है कि वाकई दिल चाहता है कि आके आपको पैरों में बांध के नाचूं। बात है, तालियां आ गया टीम लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सेलिना, आपको हमारी ये छन छनाछन परफॉर्मेंस कैसी लगी? एक ही शब्द है मेरे पास, वो भी अंग्रेजी में है। कोई बात नहीं, फैबुलस। थैंक यू, थैंक यू। स्वप्निल, आप में एक इनोसेंस है और एक शार्पनेस दोनों एक साथ है। थैंक यू मैम। व्हिच यू ब्रिंग टू योर परफॉर्मेंसेस, और आपका तभी जो कॉम्बिनेशन, VIP हैज एन मेजर इनोसेंस और एक भोलापन, और आप में जो थोड़ा शानापन है, आप दोनों का जब मेल होता है तो इट्स डायनामाइट एंड यू रियली रॉक बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब स्कोर्स की बारी। You definitely, definitely deserve a 10. Thank you, sir. Points. Thank you so much. Swapnil and VIP. Or 10 points from Archana. Thank you, Archana ji. Thank you. Thank you, audience. इन कपड़ों में इससे ज़्यादा झूठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने सुना सलीना जी बहुत अच्छा डांस करती है यार। ये सच बात है क्या? Thank you, Swapnil. Thank you, VIP. चन 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 करके आप वापस पीछे जा सकते हैं। हर गोलमाल की जड़ होती है कुर्सी। सरकारी कुर्सी देश में गोलमाल करती है और शादी की कुर्सी जिंदगी में गोलमाल करती है। तो आ रही है सरकारी कुर्सी उर्वशी और शादी की कुर्सी शकील। आएगी बारात रंगीली होगी सार, खड़े खड़े में नाचूंगी, हो खड़े खड़े में नाचूंगी।
राजा की आएगी बारात। अरे और शादी की कुर्सी, चुप कर, नाचना बंद कर। क्यों, मेरे नाचने से तुझे भी लाता है क्या? चल दफा यहाँ से, नाचने से मुझे। नाचना बंद कर, मैंने कहा कोई बारात नहीं आने वाली है। क्यों, बारात का पेट्रोल खत्म हो गया? अगर तेरे को नाचना है तो मेरी शादी पे नाचना। तेरी शादी पे क्यों नाचूं, कौन है तू? मैं सरकारी कुर्सी हूँ। सरकारी? तौबा तौबा, क्या हाल हो गया तेरा, कैसी हो गई तू? क्या बताऊं बहन? हाँ, बता ना। मुझे ना गुप्त रोग हो गया है। क्या? जब से देश की आजादी हुई है तब से चोर उचक्के गुंडे मेरी जिंदगी में आए हैं और मेरा नाजायज फायदा उठाया है उन्होंने। लूट के चले गए। हाँ, मैं तो खुश नसीब उस मामले में। मैं तो हर रोज एक नया दूल्हा बदलती हूँ। कई तो कमबख्त मारे रिपीट भी हो गए मेरे पे। लेकिन तकलीफ भी बहुत उठाई मैंने। कैसी तकलीफ? वो जब पुराना अदना, हाँ, वो जैसे आते थे ना जब मेरे पे बैठते थे, अल्लाह माफी, तौबा, मेरा तो दम ही निकल जाता था। मैंने कहा मेरा ये हाल है जिससे शादी हो रही है उसका। मैंने कहा मुझे क्या, दफा करो, मेरा क्या लेना देना। एक तो इतना मोटा आके बैठा, फंस गया मेरे में कमबख्त मारा। फिर क्या, जलील मेरे मुझे ही कह रहा है कुर्सी फंस गई, कुर्सी फंस गई, बदनाम कर दिया जलील ने मुझे। मैं फंसने वाली लगती हूँ? मैं तो टेबल को मुंह नहीं लगाती। शर्म नहीं आती तुझे बहन? तू रोज रोज नया दूल्हा बदलती है। तो कौन सा मेरे पास रहते हैं वो मनहूस? 12 बजे तक मेरे पे बैठते हैं मनहूस सारे, रात के 12 बजे आखिरी टाइम। 2-3 सुस्त आ जाते, 3 बजे तक बैठे रहते हैं। तू अच्छी है, तेरे पे कोई बैठ जाए 5 साल तक उतरने का नाम नहीं लेता है। साल 6 महीने में कोई उतर जाता अपनी करतूत की वजह से, फिर तेरे पे बैठने की तैयारी शुरू कर देता है। क्या करूं, मुझ में नशा ही इतना है। मैं तो वो बला हूँ जिसकी गोद में जो बैठा वही पछता है, जो नहीं बैठा वही पछता है। ए, तेरी गोद में कौन नहीं बैठा? सलमान नहीं बैठ के पछता रहा है। और आमिर को देखो, पछता पछता के बैठ रहा है वो तो। 2 दफा बैठ चुका है, 3 दफा बैठा ना, ऐसी जगह से कीन निकलेगी पंचर हो जाएगा। फिर लोग दूल्हा डाल के देखेंगे टप में, कहां से बुलबुला छोड़ रहा है ये। एक बात बता, कोई ऐसा है जो तेरे पे ना बैठा हो सिर्फ मेरे पे बैठा? लालू जी। लालू जी तेरे पे नहीं बैठे? नहीं ना, भैंस पे बैठा रहे, बारात उनकी उस पे आए थे ना। उतरे ही नहीं। क्यों? बस उनको डर था कोई भैंस कोने में लाके दूध ना निकाल ले। नहीं नहीं, लालू जी ऐसे नहीं, उनके बारे में इतना बुरा भला नहीं बोलते। क्यों? बहुत अच्छे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पता है 12 घंटे खुद बैठते हैं और 12 घंटे राबड़ी जी को बिठाते हैं। मुझे कभी खाली नहीं छोड़ते वो। बात तो सही है। अच्छा एक बात बता, मैं अच्छा तू किस किस की शादी पर गई है बता? बहुत सारों की गई, 2-3 शादियां तो नहीं भूलती मैं। कौन सी? शाहरुख की शादी भी गई थी। हाय शाहरुख की? उसकी शादी हुई थी लड़की से बाकायदा। लोगों ने तो ऐसी बातें बनाई हुई हैं। अच्छा? उसकी शादी में मैं गया, मेरे में बैठ गया। ओए मैं तो एंजॉय कर रही थी। काजी ने कहा कबूल है? कह रहा काजी ने कहा बात को हंसी में ना टाल। पंगा लिया तो पूरा ले। 3 दफा कबूल बोल। तो बोला उसने? फिर बोला ना कबूल। कबूल है, कबूल है, कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है, बोला ना कबूल है, रे कबूल है। काजी ने कहा चुप हो जा, पूरी पिंडाल की औरतों से तेरी शादी नहीं हो रही है, केक से हो रही है। अच्छा दूसरी शादी किसकी थी? कमर सिंह के। कमर सिंह कौन है? जो बिग बी के कमर तक आता है। वो कमर सिंह। हाँ उनकी शादी हुई ना, फेरे वेरे पूरे हो गए, सारा कुछ हो गया ना, मेरे पे बैठे हुए थे। लोगों ने आगे कहा जाओ बीबी के पास सुहाग रहा थे। उठ ही नहीं रहे। क्यों? कह रहे बड़ी मुश्किल से तो ये कुर्सी मिली, मैं ये नहीं छोड़ूंगा। फिर बिग बी को बुलाया, उन्होंने समझाया छोटे ये वो कुर्सी नहीं है, आई ये दूसरी कुर्सी है, वो और है, वो भी तुझे मिलेगी, लगा रहे। अभी जाता है बीबी के पास या मैं जाऊं? हाय वो जाने की बात कर रहे हैं? अरे घर जाने की बात कर रहे हैं, तेरा सैनी गंदा मनोज। गुस्से में आ गए थे ना। फिर नाना जी की शादी हुई। हाय अल्लाह,
तू अपने ही नाना की शादी में गई? नाजायज है। चले। मैं नाना पाटेकर साहब की बात कर रही हूँ। उनसे कहा कुर्सी पे बैठो, डेढ़ घंटे का भाषण दे दिया मुझे। ये कुर्सी ये लड़वाती है, ये तबाह करती है इंसान को, मेरे को नहीं बैठना। फिर कलम वाली बाई को बुलाया। कलम वाली बाई? हाँ, उसके यहाँ तक कलम थे, शेप करा के आई थी। उसको बुलाया, उन्होंने समझाया ना, फिर मेरे पे बैठे। बैठते ही बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे पे एंजॉय कर रहे हैं, बताओ। मैं तरक्की बहुत कर रही हूँ। तूने तरक्की की है? हाँ। कैसे? आबादी बढ़ा के। ले, उससे कहीं ज्यादा तरक्की तो मैंने की है। कैसे? देख, तूने आबादी बढ़ाई, मैंने उसी आबादी में गरीबी बढ़ाई। देख, तरक्की की ना मैंने। हाँ। मैंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, मैंने आटे की कीमत बढ़ाई, बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। हाँ। मैंने रुपए की कीमत नीचे कर दी, तरक्की तरक्की की। वाह वाह, सरकारी कुर्सी, तुझे सलाम। शुक्रिया, शुक्रिया। दबाओ यहाँ से मनु। खाए के सलाम, शुक्रिया शुक्रिया। मेरी बद्दुआ है, लग रहा तो दीमक खाए मनुज। तो दुनिया से खत्म हो जाए, तेरे वजह से सारे झगड़े हैं पूरी दुनिया में, ये कुर्सी खत्म हो जाएगी, सारा सिस्टम सही हो जाएगा, तेरा बेड़ा गर्क हो, तो ऐसे गायब हो जैसे फिल्म गायब से पब्लिक गायब हुई थी। चल अब जजों वाली कुर्सी से बात करते हैं, पूछते हैं। बताइए जी। तो बताइए जजेस, कौन सी कुर्सी पे बैठना चाहेंगे आप? शेखर जी, ये कुर्सी का जो मजा था, जो आप लोगों ने एक अलग किस्म का एक लुत्फ उठाया इसमें, उसमें हम लोगों को भी बहुत मजा आया। ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू, थ्री चेयर्स टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और सलीना, आप क्या कहेंगी कि आपको ये कुर्सी की जो गोलमाल थी कैसी लगी? वो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ओरिजिनल आइडिया। एंड शकील जी, आप जिस तरीके से मनहूस बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं आपको टेप करके दे दूंगा, कोई 1700 दफा रिंगटोन बना ले अपनी, है ना। कोई भी फोन आएगा, मनहूस 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 मनहूस, या तो वो होगा जो नहीं उठा रहा, फिर वो होगा। राइट। और अब स्कोर्स की बारी। कुल मिला के इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव, लाइक टू गिव यू 9 points। क्या बात है। मैं भी जरा इत्तेफाक रखती हूँ इनसे, सुमन से इस बार, और मार्क्स में मैं वही दूंगी। थैंक यू। 9 points, ऑल राइट। थैंक यू शकील, थैंक यू उर्वशी। और अब आ रहे हैं मेल वॉलेट राजीव और लेडीज पर्स राजेश। चलती क्या है नसब ये चंपा रानी, चंपा कली। अरे कली नहीं, पूरी फ्लावर पॉट हूं मैं, और सलीना जेटली से हॉट हूं मैं। हाय, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो मरता हूं, पर सरानी कहो तो अपनी जान दे दूं। किसी ऑर्डिनरी आदमी का बटुआ, ये बटुआ बोला तो टेटुआ दबा दूंगा। वॉलेट बोलने का क्या? हाँ, वॉलेट। ये लेदर स्किन वाली ले लो। एकदम उर्वशी ढलकिया लग रही हो। अरे है, लेकिन ये बता, तेरी मालकिन तो टुच्ची है, तू इंपोर्टर कहाँ से हो गई? मालकिन टुच्ची हुई तो क्या हुआ, उसके चाहने वाले तो बड़े बड़े लोग हैं ना। मालकिन को छोड़, तेरा चाहने वाला इधर सामने खड़ा हुआ है। आ, चलती क्या तुझे अक्सा बीच घुमा दूं? तू क्या घुमाएगा मुझे अक्सा बीच, वो तो मेरी मालकिन मुझे अक्सर अक्सा बीच घुमाती है। रेक्सिन के रेक्सिन के रेक्सिन का भी एक सीन देख लेना। तेरे में है क्या? देख लो ले। तो मेरी प्यास मिटा दे, मेरी भूख मिटा दे, मुझे कोल्ड ड्रिंक खिला दे, पिज्जा पिला दे। रानी तुम पिज्जा की बात कर रही हो,
पिज्जा छोड़ो तुम कहो तो तुम्हारी बहन का जिज्जा बन जाओ। I love you, darling. जानू, तुम्हारे पास एक कितनी अच्छी अच्छी जीप है। वो तो हर लेडीज पर्स में होती ही है। जानू, मैंने कभी पास से लेडीज पर्स नहीं देखा है। जरा जीप खोल के दिखाओ ना अंदर से कैसी है। अच्छो, शादी के बाद। चल अच्छा ये बता दे कि तेरी मालकिन तेरे अंदर रखती क्या क्या है। देख, ब्लश ऑन रखती है, पेंसिल रखती है, काजल रखती है, सुपारी रखती है, पान रखती है। ये भी बताना और क्या क्या रखती है। देख, महीने के उन दिनों के चक्कर में ना एक पॉकेट में बहुत कुछ ठूस के रखती है। किन दिनों के चक्कर में क्या ठूस के रखती रे। अरे मंथ एंड के लिए चिल्लर, पगार खत्म हो जाती है ना तो चिल्लर ठूस ठूस के रखती है। मैं तो एकदम भारी सी हो जाती हूँ। वैसे तू बताना कि तेरा मालिक तेरे अंदर और क्या क्या रखता है। अरे बस मेरे अंदर क्या है, वही विजिटिंग सिजिटिंग कार्ड, वही सब फालतू की पुर्ची उर्ची बिल विल रखता है। और बोले तो वो भी रखता है। वो क्या? वो रखता है ना। अरे वो क्या, सबके सामने इसे कैसा बोलने का शर्म आती है ना। बिंदास बोलने का। हाँ हाँ वही। तो मेरी मालकिन भी रखती है। हाँ, मालकिन भी रखती है। बॉयफ्रेंड की फोटो ना हर हफ्ते चेंज करती रहती है। यार तुम लेडीज पर्स लोगों की लाइफ तो बड़ी मस्त है। हर एक अपन लोग है ना। क्या यार अपनी लाइफ तो एकदम भंगार है। क्यों? बोले तो अपना मालिक ना मेरे को पिछवाड़े ठूस के रखता है गैस प्लांट के बाजू में। और कम वक्त टॉयलेट भी जाता है ना। हाँ? इधर से निकाल के जो फ्लश की टाकी होता है ना उसके ऊपर रख देता है दो तीन बार, पॉट में गिरते गिरते बचाओ मैं। बेवकूफ, बेवकूफ है तेरा मालिक। नहीं नहीं देख, मेरा मालिक जैसा भी ना बहुत अच्छा है। हाँ? कभी दोस्त लोगों के साथ बैठता है ना पार्टी में खाने पीने के लिए ना। हाँ? फटाक से शाम से पीछे हाथ डाल के मेरे को निकालता है और फटाक से सामने से बिल पे करता है। तूने आज मेरे सामने अपने आप को खोल के रख दिया। तुम भी खुल जाओ ना मेरे सामने। हैं? मतलब डार्लिंग, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हें बगैर रह नहीं सकता हूँ। अच्छा? हाँ। तो क्या करें? देखो मैं तो छोटा हूँ। हाँ। मैं तुम्हारे अंदर समा जाता हूँ। हम दोनों साथ साथ रहेंगे जानू। ठीक है, लेकिन किसी मालिक को ढूंढना तो पड़ेगा ना। किसी कॉमन मालिक को ढूंढ लेते हैं जो बाहर से देखने में तुम्हारे जैसा हो और अंदर से मेरे जैसा हो। ऐसा मिलेगा कहाँ? वो है ना अपना कौन, बॉबी। हम बने तुम बने एक तीजे के लिए, हम बने तुम बने एक तीजे के लिए। सिलीना बताइए आपको क्या लगा इस गोलमाल के बारे में, क्या कहेंगे आप? I can't imagine एक पर्स और वॉलेट के बीच में भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है and it was very well done. Thank you, congratulations. Thank you so much. मुझे तो अब डर लगने लगा है कि मेरा वॉलेट मेरे बारे में क्या सोचता होगा, क्या कहता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अगर कोई ऐसी गुफ्तगु हुई पर्स और वॉलेट के बीच में तो कुछ इस तरह से ही होगी। टुगेदर यू वर रियली रियली इफेक्टिव एंड वेरी वेरी फनी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस थी तुम दोनों की। वेरी नाइस, वेरी इवनली बैलेंस्ड, यू आर बोथ माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। और अब स्कोर भी कुछ कहना चाह रहा है। डाल दीजिए इधर, डाल। और 10 points, क्या बात है। आई फील आई वुड हैव वांटेड समथिंग अ लिटिल मोर इन द एक्ट बट सो इट्स अ वेरी क्लोज 9 points. थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अब हम आ पहुंचे हैं वहां जहां बेजुबान चीजें तो छोड़िए, इन बोलने सुनने वालों की भी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि अब चुनी जाएगी टॉप स्कोरर जोड़ी और होगा एलिमिनेशन। आज के स्कोर्स में पिछले हफ्ते के स्कोर्स भी जोड़े जाएंगे। तो आज के स्कोर्स जानने से पहले एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते कौन ऊपर था और कौन नीचे। स्वप्निल वीआईपी 19 points, अली काशिफ 18 points, शकील उर्वशी 19 points, राजीव राजेश 18 पॉइंट्स और राजीव काम्या 18 पॉइंट्स। लास्ट एपिसोड के स्कोर जोड़कर और आज के जज स्कोर और ऑडियंस वोट के बाद आज की टॉप स्कोरर जोड़ी है
for Swapnil and VIP. Congratulations. और अब आज की पहली अनसेफ जोड़ी है राजीव और काम्या. आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी है राजेश और राजीव. आज आप दोनों में से किसी एक को यहां से जाना होगा, लेकिन कौन जाएगा ये डिसाइड करेंगे स्वप्निल और वीआईपी, आज की हमारी टॉप स्कोरर जोड़ी. आज के परफॉर्मेंसेस दोनों देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज के परफॉर्मेंस में राजीव और राजेश बेटर थे. वी विल सेव देम. आई एम रियली सॉरी कामया. नो नो प्लीज डोंट से सॉरी. मुझे खुशी है कि इतने सारे एपिसोड करने के बाद लगातार इतनी सारी परफॉर्मेंस देने के बाद आज मैं यहाँ से जा रही हूँ और बहुत खुशी खुशी जा रही हूँ. मुझे कोई दुख नहीं है. स्वप्निल वीआईपी, आपने पहले भी जो कहा था कि एपिसोड के हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से होगा, तो इट्स वेरी वेरी फेयर. मुझे ये शो हमेशा याद रहेगा और मैं बहुत 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 खुश हूँ. मैं जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ पर यही बात करती हूँ कि हमारे जजेस जो है वो कमाल है. मुआ, तुम दोनों ने मिलके हम लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया और बहुत हम दोनों को तकलीफ हो रही है. Not only us, but the सलीना को भी बहुत तकलीफ हो रही है. India will miss you. अरे थैंक यू. काम्या राजीव, थैंक यू सो मच. थैंक यू सोनी, थैंक यू ऑप्टिमिस्टिक, थैंक यू कॉमेडी सर्कस. और अब बारी है आज के बिंगो हटके झटके मोमेंट्स की. आज काम्या और राजीव इस टक्कर से बाहर हो गए हैं, लेकिन उनके जाने से ये कांटे की टक्कर अब और पैनी हो जाएगी, क्योंकि जितने कम खिलाड़ी उतना तगड़ा कंपटीशन. और अगले हफ्ते ये जोड़ियां आपको इंडिया के अलग अलग फेस्टिवल्स का नया रूप दिखाएंगी. तो हंसते हुए त्योहारों में शामिल होने के लिए मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त यहीं पे. हंसते रहिए, मजा करिए, एंड सी यू नेक्स्ट वीक.